बेटा फिर तमाम बेटा कौन सब सब ज्ञान अधिकारी का बैठे हम ज्ञान अरे ठीक है ना बैठना बेटा बेटा फोटो खींच ले आज बहुत ही बढ़िया हमारे गुरु प्रकाश पर्व के प्रारंभ हुई दिसंबर के महीना आज 1 दिसंबर और बहुत ही धूमधाम के साथ आज हमारे मुंगेली में प्रदेश स्तरीय सतनाम शोभा यात्रा के आयोजन हुई जिसमें बढ़ चढ़ के आप सब हिस्सा लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आज की सतनाम शोभा यात्रा निकली। तो आओ ये उद्देश्य के लिए हम सब ये शोभा यात्रा निकाला था और साथ ही साथ ये उद्देश्य के लिए हम बाबा जी की जयंती मना था उस सबके पूर्ति के लिए और साथ ही हम सब ला बाबा जी के आशीर्वाद मिला और बाबा जी के आशीर्वाद से हम सबके जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आए। एक लिए बाबा जी के जय घोष के नारा लगा के ओकर चरण में हम सबको अपन अपन प्रणाम पहुँचावो ताकि ओकर आशीर्वाद से हम सबके जीवन सफल हो सके। तो आप सबसे आग्रह है कि एक बार जोश और ऊर्जा के साथ खुशी और उमंग के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ बाबा जी के जय घोष के नारा बोलिए निश्चय जी सब गुरु मन के आशीर्वाद हम सब मिली और सबके सबके जीवन सफल हुए। साथ ही हम सब बहुत कि हम सबके बीच में साक्षात रूप में राजा धन गुरु बालदास साहेब जी विराजमान है जो हम सब जानता हमारे सतनामी समाज के आदेशक है निर्देशक है मार्गदर्शक है प्रेरणा स्रोत है धन रक्षक है और हमला हमेशा मार्गदर्शन दे के काम करते। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी से आशीर्वाद लेने के लिए आप सबसे आग्रह के बार जोरदार ओगरों भी जोश और ऊर्जा के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ जय घोष के नारा राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब की। साथ ही हमारे बड़े भैया जेकर नाम ढाल है हमेशा ढाल के तरह समाज के रक्षा के लिए खड़े रहते इसे अमर गुरु विराजमान है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं एक बार और हमारे बड़े भैया के लिए जय घोष के नारा के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ बाबा जी के जय घोष के नारा लगाओ ताकि ओकरो आशीर्वाद हम सब ना मिले धर्म गुरु गुरु ढाल दास साहेब की। साथ ही हमारे सत्तारी गुरु जो लगातार सतनाम रोटी सतनाम संदेश यात्रा निकाल के संत समाज ला जगाए के काम करत हवे त्याग तपस्या करके संत समाज के लिए लगातार प्रयास करते जागरूकता लाए के लिए ऐसे गुरु के भी हम सब मिल के खुशी उमंग के साथ ताली के ग्राहक के साथ जय घोष के नारा लगाओ सद्धारी गुरु समेत बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम सबके बीच में उपस्थित क्षेत्र के हमारे लाडला विधायक और हमारे सतनामी समाज के गौरव एक बार सभी कहा था आप लोग बताना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विधायक थे लेकिन सबसे ज्यादा जीत के रिकॉर्ड अगर किसी विधायक के तो सतनामी समाज के बेटा पुन्नू लाल मोहले के हैं। तो एक बार जोरदार ताली का सम्मान करो हमारे विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहे साथ ही हमारे विक्रम मोहले जी पूर्व विधायक है होकर भी जोरदार ताली का सम्मान है मानिक सुनवानी जी है और साथ ही हमारे सबो राजमहनगंज में ये हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष जी है उनका भी ताली के साथ सम्मान है। साथ ही हमारे सबो राजमहनगंज भी हवे सुखचंद सतनामी जी हमारे प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय सतनाम सेना दिवाकर सतनामी जी राजमहन ठाकुर प्रसाद सतनामी जी राजमहन संतन सतनामी जी राजमहन सरजू सतनामी जी राजमहन देवनारायण बांधे जी राजमहन शिव कुमार बंजारा जी लोहर सतनामी जी साहूकार सतनामी जी हमर मुंगेली के सबो युवा साथी मन जो विशेष रूप से आयोजन में अपन सहभागिता रखे प्रमोद सतनामी जी रेखचंद कौसले जी अतीश सतनामी जी विजय बंजारा जी सतीश सतनामी जी शेर सिंह सतनामी जी कुंजन सतनामी जी जयत कुमार सतनामी जी जय ओगरे सतनामी जी और साथ ही सतनाम धर्म महासभा के हमारे सबो साथी बनाए जो लगातार राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी के साथ जुड़ के समाज में एकता स्थापित करके काम करते विजय डहरिया जी डॉक्टर सुरेंद्र धमतरी जी
राजेंद्र दिवाकर जी मुंगेली से, रमेश लहरे जी अमर कबीर धाम से, अखिल भारतीय सतनाम सेना के साथी गणा है धनंजय सतनामी जी, निखिल सतनामी जी, मनीष सतनामी जी, सुभांशु सतनामी जी, विकास सतनामी जी, आशीष सतनामी जी, राहुल सतनामी जी, नितिन सतनामी जी, नवगढ़ से अमर राजमान अनूप सतनामी जी, नैना महन जी, नरेश महन जी, विजय महन जी, भीषण सतनामी जी, जिलाध्यक्ष धर्म सतनामी जी, संतोष खांडे जी, संतोष खटगवा महन जी, ललित सतनामी जी, अमरदास सतनामी जी, बहुत सारा नाम है, सबों के नाम ले में समय लगी, लक्ष्मीकांत जी, सबो समाज के प्रमुखगण, भंडारी साठीदार और समाज के समस्त प्रमुखगण और यहाँ पर उपस्थित आस पास से आए हुए और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे संत समाज, आप सबके एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 1 दिसंबर गुरु प्रकाश पर्व आज से प्रारंभ होते हैं, जिगर प्रदेश स्तरीय सतनाम शोभा यात्रा निकाल के कर आगाज करेंगे हैं और निश्चित ही आगाज जिस तरीके से होना चाहिए वैसे आगाज काबर के आज के जो जन सैलाब, जो आज के जो ये रैली नेरी, ये सतनाम शोभा यात्रा के जो रैली नेरी से है रैला बन चुके रही से, मतलब इतना जन सैलाब उमड़ के आई, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबके सम्मान में एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर रहा हूँ आप सबके कि जो इतना अच्छा सतनाम शोभा यात्रा ये मुंगेली में आप सब निकाले। और निश्चित है आज हमारे समाज लगातार बहुत अच्छे से जागरूक होते चले जा रहा है और आप सब जानते हो ये सतनामी समाज के जो शक्ति है वो भक्ति में ही, भक्ति में ही शक्ति है। आज जब भी बात परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के आते, जब भी बात हमारे सतनाम धर्म के बात आते तो हम सब हमेशा एकजुट होता और एक मंच में आकर एकता और भाईचारा के साथ अपन आवाज बुलंद करता। और जब भी खुशी के भी बात आते तो आज के जो यात्रा है उसके माध्यम से दिखा दे किस प्रकार से हम सब में एकता स्थापित हो चुके हैं। तो निश्चित ही आज ये जो जन सैलाब उमड़ गया है और जो हम सब अपन आस्था ला कहीं ना कहीं प्रकट कर रहा था, निकट से प्रतीत हुआ थे कि आने वाले समय में जो हमारे राजा गुरु बालक दास साहेब जी के जो सपना है, जो राजा गुरु बालक दास साहेब जी के जो अधूरा सपना है, मोला पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सतनामी समाज अधूरा सपना ला गुरु बालक दास के पूरा करें, मोला पूरा विश्वास है। और गुरु बालक दास साहेब जी के सपना रही जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहना रही से हर किसी का बराबर सम्मान, हर किसी का बराबर अधिकार और हर किसी का अधिकार मिलना चाहिए, ये गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहना रही से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी का सम्मान मिलना चाहिए गुरु घासीदास बाबा जी के कहना रही से। तो निश्चित ही वो जो अधूरा सपना है वो आप सबके सहयोग से पूरा हो, मेरा पूरा विश्वास है। काबर की मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, काबर ये सपना पूरा हुआ मैं ये बोलना चाहता हूँ, काबर की आप सब जाना था अभी के जो समय है राजा गुरु धनंद्र बालदास साहेब जी के आशीर्वाद हम सबके साथ है, राजा गुरु धनंद्र बालदास साहेब जी के राज हमारे साथ है। और निश्चित ही आप सब जाना था जहाँ गुरु के आशीर्वाद हो गए तो हमारे सपना और हमारे अधिकार हमारे हक हर चीज हम सबका मिल सकते है। तो निश्चित ही आने वाला समय में हर एक अधिकार हम सबका मिले, एक सबसे बड़े उदाहरण ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं आप सबका हृदय से पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, काबर की जब मैं आरंग विधानसभा से चुनाव लड़ते हो, जब मैं आरंग से चुनाव लड़ रहे हो तो मैं आप ला एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा भारत देश में जहां भी सतनामी समाज निवास करते, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी कोने में भी सतनामी समाज निवास करते, हर किसी के दिल के एक इच्छरी से बाकी सीट का हो होकर से मतलब नहीं, लेकिन हमार गुरु जितना चाहिए ये आप सबके कहीं ना कहीं आस्था रही थे और बोला ये सहयोग आप सबके मिले हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबके सहयोग मिले और आप सबके सहयोग से यहाँ तक पहुंचे हों। और निश्चित ही आप सबके सहयोग से यहाँ पहुंचे हों, आप जब सहयोग करें तब ये स्थिति में पहुंचे हों। और मैं विश्वास के साथ ये मंच के साथ मन से आप लोग वादा करना चाहता हूँ, पहली भी गुरुकुल में जन्म ले के कारण मोर कर्तव्य मोर जिम्मेदारी आपके लिए हवा है, आपके समाज के लिए अपन जीवन ला निछावर करेगा मोर जिम्मेदारी है, लेकिन आज ये जो पद आते हो तो मोर जिम्मेदारी और बढ़ गई है
कि मैं आपके लिए अपन जीवन ला समर्पित कराऊं, समाज की उन्नति और विकास के लिए अपन जीवन ला समर्पित कराऊं, तो निश्चित है हमारे समाज की उन्नति और विकास दो तरीके से जुड़े हुए हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में आपला हमला आगे बढ़ना है, ये समाज ला शिक्षा के स्तर ला आगे बढ़ाना है, शिक्षा के स्तर ला उससे उच्च स्तर करना है, साथ ही साथ धार्मिक हमार जो धर्म है ओला भी आगे बढ़ाना है। जब धर्म और अशिक्षा दोनों मजबूत हो जाए तो निश्चित ही समाज की उन्नति और विकास हो, तो निश्चित ही धर्म के नाम से हम हमेशा एक होता है, तो धर्म स्थल हमारे जितना भी धर्म स्थल है उकर उन्नति और विकास उकर विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काबर के हम सब जब हम गिरौद परिधान तो हम चाहते हैं वहाँ के सर्वांगीण विकास हो, हम गुरुद्वारा भंडार परिधान तो हम चाहते हैं वहाँ के सर्वांगीण विकास हो ताकि सफला बाबा जी के आशीर्वाद मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से आज मैं विधायक बने हूँ और ये विधायक बने मात्र 10 से 11 महीना हुए हैं, लेकिन ये 10 से 11 महीने में आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो 24 साल से हमारे एक मांग रही समय कि हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम के मूर्ति महल बनना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कौन चाहते बनना चाहिए, सब जन चाहता हो, तो मैं ये मन से आपका बताना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी जिला मैं आरंग विधानसभा में आमंत्रण करे रहे हूँ और आमंत्रण करे रहे हो, तो इसे मंत्री से इस मन से मैं पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सतनामी समाज के तरफ से मैं मांग रखे हो कि 24 साल से हमारे मोदी महल अधूरा है, बोला आपका पूरा करना है। तो आपका बताना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री जी के बोले के बात आई तो 18.5 करोड़ रुपया भंडारपुरी धाम के लिए घोषणा कर दे, 18.5 करोड़ रुपया मोती महल आपका बताना चाहता हूँ, मार्च या अप्रैल में उधर भूमि पूजन भी हो जाए और हम सब मिलके मोती महल के दर्शन अच्छे से करवो। तो ये आज बोला मात्र 10 से 11 महीने हुए लेकिन 18.5 करोड़ रुपया हमारे भंडारपुरी धाम के लिए पास हो चुके है। इसने राजनांद गांव भी मैं गए रहे हूँ और राजनांद गांव में हमारे सतनामी समाज के द्वारा एक मांग करेगी, एक नया महाविद्यालय बने हैं तो नया महाविद्यालय के नाम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से होना चाहिए। ओहू मांग में मुख्यमंत्री कर करे तो मुख्यमंत्री ओहू लग घोषणा करी कि वो महाविद्यालय गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाने जाए। तो आज हर चीज में सम्मान गुरु घासीदास बाबा जी मिला था, सतनामी समाज ला हर चीज में सम्मान मिलना चालू हो चुके हैं और ये सम्मान मिलना चालू होने का मतलब आप समझ लो कि आपके सतनामी समाज के उन्नति और विकास ला कोई नहीं रोक सके, हम और आप मिलके हमारे समाज की उन्नति और विकास कर गए, लेकिन एक दूसरे के हम सबला सहयोग करना है, एक दूसरे के जब हम सहयोग करो फिर समाज की उन्नति और विकास होना तय है। काबर की बीच में दूसर ऐसे व्यक्ति मन भी आते जो आपका और हमला तोड़े के काम करते, आप में और हमने बीच में दूरी पैदा करने के काम करते, भड़काए के काम करते, अफवाह फैलाए के काम करते, ऐसे चीज से हमला बचना है। हमला ये चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे साथ में गुरु हवे और गुरु आप सबला मालूम है राजा गुरुधन गुरु बाल दास साहेब जी लगभग 40 से 45 साल से समाज के बीच आ जाते और लगातार अपन जीवन के बाजी लगा के भी आपके समाज की रक्षा करता है, तो गुरु के आशीर्वाद है, वो गुरु कभी भी समाज के गलत नहीं चाहे, हमेशा समाज के हित ही चाहे। तो जितना भी कोई विरोधी है जो दूरी पैदा करे के काम करते, अफवाह फैलाए के काम करते, भड़काए के काम करते, वो मल्ला मुंह तोड़ जवाब हम सबला देना है, हम गुरु के साथ हैं और हमारे समाज के हम हमला उन्नति और विकास करना है। तो एक अंसान बोले के तो बहुत सारे बात हो है, लेकिन समय के अभाव है, राजा गुरुधन गुरु बाल दास साहेब जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सब लेना है, लेकिन मैं आपका वादा करे हूँ कि हमेशा ये जीवन हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे, आपके कारण ये पद मिले हुए और आपके ही सहयोग से भी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के भी जिम्मेदारी मिले है। ये अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के मतलब ही यही है कि सतनामी समाज और अनुसूचित जाति में जो समाज निवास करते उकर मन के उन्नति और विकास के लिए ये जिम्मेदारी मिले है,
तो मैं मन से आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके गुरु लगे जिम्मेदारी मिले तो मैं आपने मन से बोलना चाहता हूँ, आपके जो जो मांग हुई, जहां जहां जिस प्रकार के मांग हुई, आप बोला बताओ, मैं आपका वादा करा था समाज की उन्नति और विकास कर वो जहाँ भवन की जरूरत हुई, रोड की जरूरत हुई, नाली के, लाइट के, हर चीज की व्यवस्था आपका करे जाए। काबर की अभी छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी के शासन चला था, वह सरकार है जेम सबो काम कैसे हुआ थे, कैसे हुआ थे, साय साय हुआ थे, और गुरु आपके साथ हमें तो सबो काम सतनामी समाज के भी काम अब कैसे हुई, हमारे हर धर्म स्थल चाहे वो गिरौदपुरी धाम है, हमारे गिरौदपुरी धाम में भी उन्नति और विकास हुई, आपका विश्वास दिला था, खबर के आप सब जाना था, गिरौदपुरी के मेला कमेटी के अध्यक्ष कौन है, अब मेला कमेटी के अंदर राजा गुरु धन गुरु बाल दास साहेब जी बन गए, तो विश्वास रखो आपकी रौनपुरी धाम में भी उन्नति और विकास होगी, सर्व तरीका से वहाँ सर्व सुविधा वहाँ पे करे जाए, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं करे जाए। तो ये आप और हम एक दूसरे के साथ मिलके ये सब काम न करवो, यही विश्वास आपस में हम सब रखना है, निश्चित ही समाज की उन्नति और विकास होगी। ये शुभकामना के साथ समय ला ध्यान देते हुए आप सब ला ये गुरु पर्व माँ हमारा आज प्रारंभ हुआ है, गुरु प्रकाश पर्व, एक मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद सदा आप सबके जीवन में बने रहे और हमेशा छत्तीसगढ़ प्रदेश के और सर्व समाज के और सर्व समाज के उन्नति विकास हुए, यही शुभकामना के साथ अपन बात ला यही पे समाप्त करता हूँ। आप सब ला हमारे तरफ से साहेब सत्ता, साहेब सत्ता। कोटि आभार धर्मगुरु ये राजगुरु गुरु कुसुम साहेब जी।